गाइस वेलकम टू कपलिफाई। सो थैंक यू गाइस जिन्होंने भी हमारी ग्रीस ट्रैवल की वीडियोस देखी और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया। एंड बेस्ड अपॉन दोस वीडियोस हमें काफी सारे सवाल आए हैं, तो उन सवालों का जवाब देने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो जो ग्रीस जाने का प्लान कर रहे हैं या आगे करेंगे, उनके लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी। सो आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या था। तो पहला था कि ग्रीस जाने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड है। तो ग्रीस जाने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत होती है शेंगेन वीज़ा की, जिसका कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली 6,000 रुपीज़ पर पर्सन। और ग्रीस के वीज़ा के लिए आपको कुछ एडेड डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। फर्स्ट इज द फ्लाइट टिकट्स, सेकेंड है रीजन टू विजिट, थर्ड इज द होटल बुकिंग्स, एंड फोर्थ है बैंक स्टेटमेंट्स आपकी फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, एंड द ITR फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है कि वीज़ा प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। हाँ, सो हमने अप्लाई किया था शेंगेन वीज़ा में और हमने एटलीस्ट 2 मंथ्स इन एडवांस में अप्लाई किया था और पूरा वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट होने में लग गया था अराउंड 1 से 1.5 महीना। और हम आपको भी यही रिकमेंड करेंगे कि एटलीस्ट 2 महीने आप मान के चलें और 2 महीने एडवांस में आप अप्लाई करें। और इसके अलावा आप एटलीस्ट 2 से 3 दिन रखें, क्योंकि हो सकता है कि आपको वीज़ा ऑफिस या फिर ग्रीस एम्बेसी विजिट करना पड़े, जैसे कि हमें विजिट करना पड़ गया था। और वहाँ पे हमसे बहुत ही जनरल क्वेश्चंस पूछे गए थे कि जैसे आप ग्रीस में किन किन जगहों पे जा रहे हैं और ग्रीस जाने का रीज़न क्या है आपका। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और क्या क्या रेंटिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर ट्रांसपोर्ट। ग्रीस में काफ़ी सारे रेंटिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि बाइक्स, स्कूटर, क्वाड बाइक्स एंड कार। कार में दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, व्हाट इफ यू डोंट हैव एन इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। या सो इस केस में आई एम सॉरी, आप कार रेंट नहीं कर पाएंगे। बट इसमें एक कैच है, वो ये है कि सबसे पहले तो हमने एथेंस में ट्राई किया था कार रेंट करने का, बट वहाँ पे हमें कार नहीं मिली थी क्योंकि वहाँ पे सिटी के काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। बट फिर हमने दोबारा ट्राई किया था इन सेंटोरिनी एंड मिकोनोस और वहाँ पे हमें कार मिल गई थी, क्योंकि उन्हें ये लगा था कि इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। सो इसलिए हमने वहाँ पे एक सिक्योरिटी दी थी जो कि था हमारा क्रेडिट कार्ड, और वो हमें वापस मिल गया था जब हमने कार रिटर्न की थी। सो अब आते हैं अगले सवाल पे, जो कि है कि विच इज़ द बेस्ट सीजन टू ट्रैवल टू ग्रीस एंड हम लोग कौन से सीजन में गए थे। ग्रीस का मेन सीजन स्टार्ट होता है फ्रॉम मिड मे। हम ग्रीस गए थे इन अप्रैल एंड फॉर अराउंड 10 डेज। हम अपने व्यूअर्स को यही रेकमेंड करेंगे कि अगर आप ग्रीस का प्लान कर रही हैं तो इसी सीजन में करें, क्योंकि इस टाइम पर क्राउड कम होता है एंड बहुत ही अच्छी फोटोज और वीडियोज आती हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल जवाब। अगला सवाल है, ग्रीस में करेंसी एंड एक्सचेंज के क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या सो ग्रीस में यूरोज यूज होते हैं एंड हम अपने साथ अराउंड 1000 यूरोज लेके गए थे, जो कि वी फेल्ट वाज सफिशिएंट फॉर 2 पर्सन्स फॉर 10 डेज। एंड उसके साथ साथ ऑल्दो वी वर आल्सो कैरिंग अ फॉरेक्स कार्ड, जो कि हमें ऑनेस्टली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट अगर आप वो फॉरेक्स कार्ड यूज़ करते हैं तो हर ATM ट्रांजेक्शन पे यू हैव टू पे एन एडिशनल कॉस्ट फॉर अराउंड 3.5%। बट एज यू सेड, हमें वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है कि ग्रीस में क्या क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एथेंस की। एथेंस में कैब्स, बसेस एंड मेट्रोज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम बेसिकली कैब्स में ट्रैवल करते थे। अब बात करते हैं सेंटोरिनी और मिकोनोस की। जैसे कि सेंटोरिनी और मिकोनोस स्मॉल आइलैंड्स हैं, तो हम यही प्रेफर करेंगे कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज़्यादा डिपेंड ना करें और कोई रेंटिंग ऑप्शन को चूज़ करें। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इज ग्रीस सेफ प्लेस टू विजिट। या वेल, अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस, यस, यू कैन विजिट ग्रीस विद योर फैमिलीज और विद योर फ्रेंड्स। हमारे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, बस एक था इन एथेंस वेयर वी वर ओवरचार्ज फॉर कैब, एंड उसके अलावा या वी वर ऑल गुड। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कि हमने सारी बुकिंग एक ट्रैवल एजेंट के थ्रू करवाई थी या फिर खुद से बुकिंग की थी। क्योंकि हमारा हनीमून था, इसलिए हमने काफ़ी चीज़ें ट्रैवल एजेंट से बुक कराई थी, जैसे कि फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग्स, एयरपोर्ट ट्रांसफर्स, विद इन सिटी ट्रांसफर्स और एथेंस डे 1 का टूर।
सेंटोरिनी और मिकनोस स्मॉल आइलैंड्स हैं, इसलिए हमने वहाँ पर खुद ही एक्सप्लोर करने का सोचा था, जो कि हमने कार रेंट करके किया। तो अगला सवाल है, ग्रीस में हमारा टोटल एक्सपेंस कितना हुआ? सो ग्रीस में हमारा टोटल एक्सपेंस था अराउंड 2.5 टू 3 लाख फॉर टू पर्संस, और इसमें हमारा सब कुछ इंक्लूडेड है, इंक्लूसिव हमारे वीज़ा कॉस्ट, हमारे फ्लाइट चार्जेस, हमारे होटल्स, हमारे लंच एंड डिनर की कॉस्ट, एवरीथिंग। और ये थोड़ा एक्सपेंसिव इसलिए भी है क्योंकि हमने एक लग्जरी बुटीक होटल चूज़ किया था इन सेंटोरिनी, जो कि था हनीमून पेट्रा विलास। और अगर आप वो ना चूज़ करके कोई एक नॉर्मल होटल भी चूज़ करते हैं तो ये कॉस्ट और लेस भी हो सकती है। सो अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कि हमने कौन सा डिवाइस यूज़ किया है हमने सारी ग्रीस की वीडियो शूट करने में। तो ग्रीस की सारी वीडियोस हमने आईफोन 10 में शूट करी है, और जैसे कि सबने देखा ही है कि बहुत ही अच्छी वीडियोस आई हैं, तो या वो हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं आईफोन ले लो, आईफोन से बड़ी इज्जत मिलती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपने हमारी ग्रीस की वीडियोस नहीं देखी हैं तो यहाँ पर उसका टैग है, प्लीज़ उस पर क्लिक करिए एंड ग्रीस की सारी वीडियोस देखिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल कपलीफाई। थैंक यू।